हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा, स्वागत है आप सबका आशा डिलाइट में। आज मैं बनाऊंगी ब्रेड पकोड़ा। ब्रेड पकोड़ा बच्चे बूढ़े सभी पसंद करते हैं, चाय के साथ मिल जाए तो बात ही क्या है। तो घर पे ही बनाइए टेस्टी क्रंची ब्रेड पकोड़ा। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए बनाते हैं ब्रेड पकोड़ा। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले आलू को उबाल के रख देंगे। नेक्स्ट बेसन को घोल लेंगे। बेसन में थोड़ी सी नमक और हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी मैंने ऐड नहीं किया है, आप चाहे तो हल्दी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेसन को अच्छे से घोल लेंगे। बेसन को ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसको गाढ़ा ही रखेंगे। इसको कुछ देर के लिए रेस्ट में रख देंगे, तब तक मसाले बनाते हैं। तेल गर्म हो गया है, इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। सौंफ, जीरा, अजवाइन और राई, इसको एक सेकेंड के लिए तेल में भून लेंगे। अब ऐड करेंगे प्याज और हरी मिर्च। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कम बेसी कर सकते हैं। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनेंगे, 2 मिनट तक ही प्याज भूनेंगे। प्याज ज़्यादा लाल नहीं करना है, प्याज में थोड़ा कच्चापन रहे तो प्याज का स्वाद अच्छा आएगा। तो इसमें हरी मटर डाल देंगे, हरी मटर को भी अच्छे से भून लेंगे। मटर को थोड़ी देर भूनने के बाद अदरक लहसुन ऐड कर लेंगे। अदरक लहसुन मैंने यहाँ कूट के डाला है, आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। धनिया पाउडर, कश्मीर रेड चिली पाउडर, हल्दी, नमक और थोड़ी सी चीनी का मैंने घोल बना लिया है और उसको ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छे से भून गया है, अब ऐड करेंगे बादाम। बादाम के साथ आप नारियल भी ऐड कर सकते हैं। नारियल और बादाम ऐड करने से ब्रेड पकौड़ा की टेस्ट और बढ़ जाती है। नारियल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बादाम से भी काम चला सकते हैं। ये देखिए मसाले अच्छे से भून गया है, अब इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू को मसालों में ऐड कर लेंगे। आलू को 2 मिनट तक मसालों में भून लेंगे। उसके बाद आलू को मैश कर लेंगे। मैश हो जाने के बाद आलू में टेस्ट मसालों का बहुत अच्छी आएगी और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए अच्छे से मैश हो गया है और थोड़ी देर 1 मिनट के लिए इस तरह से आलू को भून लेंगे। मसाले रेडी हो गया है, अब बनाएंगे ब्रेड पकोड़ा। मैंने यह बड़े साइज वाला ब्रेड लिया है, आप चाहे तो छोटे साइज वाला ब्रेड भी ले सकते हैं। मैंने यह कॉर्नफ्लेक्स लिया है। कॉर्नफ्लेक्स से थोड़ा सा क्रंच भी आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छी आएगी। ब्रेड क्रम, थाली में ब्रेड क्रम ले लिया है, साथ में कॉर्नफ्लेक्स भी ले लेंगे। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका चूरा बना लेंगे हाथ से। ब्रेड क्रम और कॉर्नफ्लेक्स का चूरा रेडी है। ब्रेड ले लिया है, अब इसमें ऐड करेंगे आलू का मिक्सचर। आलू का मिक्सचर आपको जितना चाहिए आप उतना ही ऐड कीजिए। मैंने भर के ऐड किया है, ये देखिए। उसके ऊपर और एक ब्रेड ले लेंगे और इसको अच्छे से दबा लेंगे। इस तरह से दबा लेंगे। ब्रेड को बेसन के घोल में अच्छे से डिप कर लेंगे। ब्रेड अच्छे से डीप हो गया है बेसन में। ब्रेड क्रम और कॉर्नफ्लेक्स में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चारों ओर से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छे से मिक्स हो गई है। बाकी ब्रेड भी हम इसी तरह से बना लेंगे। ब्रेड को डीप फ्राई करना है, इसीलिए तेल ज़्यादा लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब ब्रेड को ऐड कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, देखिए। अब इसको थोड़ी देर के बाद पलट देंगे। ये बहुत ही क्रंची बनी है दोस्तों, आप इसे बनाइए, देखिए बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत क्रंची भी कॉर्नफ्लेक्स ऐड करने से। अब इसको निकाल लेंगे। ये बहुत ही क्रंची बनी है फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइए। कॉर्नफ्लेक्स ऐड करने से इसमें क्रंचीपन ज़्यादा आता है और बाकी ब्रेड को भी इस तरह से तल लेंगे। आप भी इसे बनाइए और इंजॉय कीजिए फ्रेंड्स।